हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट फ्राइज रीअरेंजमेंट। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्राइज रीअरेंजमेंट हम करते क्या हैं, हम क्या करते हैं, फिनाइल एसीटेट को लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, तो हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिडोफिनॉन एंड पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। सिंपल ये रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन बिल्कुल होती है हमारी फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन की तरह। बस इसमें एक डिफरेंस होता है कि इसमें जो सब्सट्रेट फिनाइल एसीटेट है वो क्या करता है, एक एसाइलम आयन को प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, सेल्फ एसाइलेशन रिएक्शन भी है। तो अब इसके मेकेनिज्म की बात करते हैं कि इसका मेकेनिज्म होता किस तरीके से। सिंपल हम क्या करते हैं, फिनाइल एसीटेट लेते हैं, ये वेरी सिंपल रिएक्शन है, साथ में एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, देखो सिंपल है, इसके पास लोन पेयर अवेलेबल है ऑक्सीजन के पास, और ये क्या है हमारा लुईस एसिड, मतलब लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो सिंपल ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको लोन पेयर अपने डोनेट करेगा। और ये यहाँ पर आकर ऐड हो जाएगा। सिंपल Cl2 और ये Cl, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इस पर है हमारा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट में क्या होगा, सिंपल है, ये जो है इन दोनों चार्ज को हमें क्या कराना है, न्यूट्रल कराना है। तो न्यूट्रल कराने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले बॉन्ड को इस तरीके से इधर ब्रेक कराएंगे और यहाँ पर इस नेगेटिव को Cl को बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ से हमारे दो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकल जाएंगे, COCH3 प्लस पॉजिटिव चार्ज है ये निकल गया, और माइनस Cl नेगेटिव। ठीक है, तो सिंपल ये दो निकलने के बाद, ये जो हमारा एसाइलम आयन है, इसके बाद हमें क्या मिलता है, सिंपल O AlCl2। ठीक है, ये क्या होता है हमारा एसाइलम आयन, दिस इज हमारा SL आयन। नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या होगा, ये जो एसाइलम आयन है ये अटैक करेगा COCH3, इस पर है पॉजिटिव चार्ज, तो ये अटैक करेगा हमारी, देखो ये दो प्रोडक्ट बना सकता है, ये तो ऑर्थो या फिर पैरा। तो सिंपल हम यहाँ से इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कराएंगे, इस साइड से ऐसे ब्रेक कराएंगे, यहाँ जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो इस पर अटैक करेगा। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, और ये जो नेगेटिव है इसमें अटैक करेगा और यहाँ पर आकर हमारा एसाइलम आयन ऐड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में क्या होगा, अब इस चार्ज को हमें न्यूट्रल कराना है, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसको हम इस तरीके से ब्रेक करा देंगे, यहाँ से ही हाइड्रोजन को ब्रेक करा देंगे, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, ये क्या करेंगे बॉन्ड बना लेंगे और वापस से एरोमेटिक रिंग बन जाएगी और हमारा एसाइलम आयन ऑर्थो पोजीशन पर ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, OH-H+। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, ये वाला जो बॉन्ड है इसको हम ऐसे ब्रेक कराएंगे, यहाँ आएगा नेगेटिव यहाँ आएगा पॉजिटिव, तो ये जो नेगेटिव है ये इसके साथ और ये जो पॉजिटिव है यहाँ पर इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। सिंपल कुछ इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट O के साथ H और ये CO CH3, तो ये क्या बन गया हमारा ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटो
एसीटोफिनोन। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन भी बना सकते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल रिएक्शन थी, आई होप आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।